हाय गाइस, आज के इस वीडियो में गाइस मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारा एनिमल्स का कलेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के एनिमल्स मौजूद हैं, जो बिल्ड एनिमल्स में जो भी एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी आज के इस वीडियो में गाइस आपको रिव्यू करा कर दिखाऊंगा कौन कौन से हमारे पास एनिमल्स हैं। जो भी सभी एनिमल्स जो है हाई क्वालिटी में मौजूद हैं यहाँ पर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, लायन, सो ये सभी एनिमल्स इसके अंदर काफ़ी हाई क्वालिटी मौजूद है, जिसको मैंने गाइस कुछ दिन पहले ऑनलाइन परचेस किया था। सभी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी थी, मैंने सोचा चलो आज का ये वीडियो आपको इस पर बना दूं। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए फटाफट बॉक्स के एनिमल्स को आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा बिल्ड एनिमल्स का बॉक्स, देख सकते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो चलिए एक एक करके आपको सभी को रिव्यू कराता चलता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मुझे मिला है इसमें, देख सकते हैं, जंगल का राजा लायन शेर। शेर का लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से शेर को डिज़ाइन किया गया है। देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, वाओ माउथ डिज़ाइन देख सकते हैं, वाओ ब्यूटीफुल। सो चलिए शेर को रखता हूँ साइड में, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक हाई डेंजरस एशियन एलिफेंट। वाओ गाइस वेरी नाइस लुक, गाइस एलिफेंट का लुक आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त है, टीथ वाओ, बैक लुक भी काफ़ी ज़्यादा गाइस यूनिक है, देख सकते हैं एलिफेंट हाथी। सो चलिए इसको भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में, सॉरी साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक देख सकते हैं पांडा व्यू, देख सकते हैं पांडे का लुक काफ़ी तो मस्त है, इसको वाइट ब्लैक में डिज़ाइन किया गया है। सो इसको भी गाइस पांडे को भी रखते हैं साइड में, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक क्रोकोडाइल, देख सकते हैं क्रोकोडाइल जो कि काफ़ी तो यूनिक है, जिसकी क्वालिटी गाइस काफ़ी तो मस्त है, देख सकते हैं माउथ डिज़ाइन भी काफ़ी तो मस्त है, जिसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्रोकोडाइल को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए गाइस क्रोकोडाइल को भी साइड में रखता हूँ, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें नीलगाय, वाओ नीलगाय का लुक काफ़ी एकदम मस्त है, इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से नीलगाय को डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है नीलगाय। सो चलिए गाइस नीलगाय को भी साइड में रखता हूँ, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक जिराफ़, देख सकते हैं जिराफ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिराफ को काफ़ी मस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वाओ जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक दूसरी भी जिराफ है देख सकते हैं, जो कि थोड़े लो इसका मटेरियल में डिज़ाइन किया गया, इसको हाई मटेरियल में डिज़ाइन किया, जिराफ का लुक दोनों का काफ़ी एकदम मस्त है, जिसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए गाइस इनको भी साइड में रख देता हूँ, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें देख सकते हैं अफ्रीकन लेपर्ड, वाओ गाइस लेपर्ड का लुक देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वाह स्किन इसकी काफ़ी मस्त तरीके से की गई है स्किन की डिज़ाइन। सो लेपर्ड के भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक देख सकते हैं गोरिल्ला, वाह गाइस ब्लैक गोरिल्ला, गोरिल्ले को काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है, गोरिल्ला देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है गोरिल्ला देख सकते हैं। सो चलिए गोरिल्ले को भी साइड में रख देता हूँ, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक देख सकते हैं हिप्पोपोटामस, वाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त लग रहा है, देख सकते हैं मस्त डिज़ाइन गाइस, ओहो वाओ जिसको काफ़ी मस्त तरीके से हिप्पोपोटामस को डिज़ाइन किया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। सो हिप्पोपोटामस को गाइस रख देता हूँ इधर साइड में, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक हिरोला, देख सकते हैं हिरोले का लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, वाओ इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हिरोला फिगर की क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा मस्त है, हिरोला की देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो हिरोले को गाइस रखता हूँ साइड में, और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे लाइनिस देख सकते हैं, लाइनिस का लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लाइनिस को भी डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है लाइनिस। सो लाइनिस को भी गाइस रखता हूँ साइड में, और इसके बाद मिलता है मुझे कैनिस मैसोमेलिस, जिसका फिगर का देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी एकदम बैड है, और इसका जो फिगर की एक्शन है जो वेरी सैड एक्शन। सो ये भी कैनिस मैसोमेलिस, इसको भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में, और इसके बाद गाइस मेरे पास एक लायन देख सकते हैं, लायन फॉरेस्ट किंग देख सकते हैं,
लायन काफ़ी ज़्यादा मस्त है। इसको शेर को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इस शेर को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक, देख सकते हैं, पांच और ब्लैक पैंथर। पैंथर का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस यूनिक है। पैंथर को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त लग रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है पैंथर। वाह, सो गाइस पैंथर को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक टाइगर। देख सकते हैं टाइगर का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त है। टाइगर काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। देख सकते हैं टाइगर, वाह। सो गाइस टाइगर को भी गाइस रख देता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें, देख सकते हैं, ओ हायना। हायना का लुक देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त है। इसको काफ़ी मल्टीपल कलर्स में डिज़ाइन है हायना, लेकिन बट लेकिन माउथ का डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। हायना हायना का लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो हायना को गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें, देख सकते हैं, ग्रेटर फ्लैमिंगो, जो कि सफ़ेद लाल कलर में डिज़ाइन किया गया है। ग्रेटर फ्लैमिंगो का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस यूनिक है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त है ग्रेटर फ्लैमिंगो। सो ग्रेटर फ्लैमिंगो को भी साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद गाइस मिलते हैं इसमें दो ज़ेब्रा हॉर्स। वाओ, इसकी क्वालिटी हाई लो बट डिफरेंट एक्शन, सेम एक्शन। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ज़ेब्रा हॉर्स दोनों के लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। सो ज़ेब्रा हॉर्स को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है विल्डयाक। मेरे को देख सकते हैं मेरे लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त है वाइल्ड याक का, जो काफ़ी डेंजरस एनिमल्स होता है वाइल्ड याक। सो वाइल्ड याक को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसमें क्या क्या मेरे को इसमें मिलता है मुझको, राइनोसोरस। देख सकते हैं राइनोस मल्टीपल्स विग एंड लिटिल साइज राइनोस। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फिगर की लेयर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन की गई, काफ़ी मस्त है ये। देख सकते हैं राइनोस। सो राइनस को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एशियन तापिर। देख सकते हैं एशियन तापिर ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन में कलर में एशियन तापिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो इसको माउथ की डिज़ाइन को काफ़ी अच्छी तरीके, मुँह की डिज़ाइन को काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। सो इसको भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। और इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें, देख सकते हैं, वेल्ड बॉस जंगली भेड़िया। देख सकते हैं भेड़िए का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस डेंजर है। वाओ, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है वाइल्ड वॉल्फ। सो इसको भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक स्नैक। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट स्नैक। देख सकते हैं वाओ, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मस्त है। स्नैक का लुक यूनिक है गाइस। देख सकते हैं स्नैक काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सो इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें, देख सकते हैं, कैंगारू। वाओ, विथ कैंगारू बेबीज। वाओ, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये फिगर, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। देख सकते हैं कैंगारू। सो कैंगारू को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक टॉरेटिस। देख सकते हैं कछुआ, कछुए का लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कछुए को डिज़ाइन किया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बट बिल्कुल रियल की तरह लग रहा है कछुआ, बट साइज़ इसका छोटा है कछुए का बेबी। बट सो चलिए इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें छोटे साइज़ में एक एलिफेंट, जो कि पूरा का पूरा ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त लग रहा है फिगर। देख सकते हैं एलिफेंट। वाओ, सो इस एलिफेंट को भी गाइस रखता हूँ इधर साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें पॉलर वियर। देख सकते हैं पॉलर वियर, पॉलर वियर का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस मस्त यूनिक है। इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पॉलर वियर को डिज़ाइन किया गया है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सो इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक चिंपांजी। वाओ, चिंपांजी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। देख सकते हैं बैक लुक भी चिंपांजी का काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है चिंपांजी। वाओ, सो चिंपांजी की वाइस रखते हैं इधर साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक डियर। देख सकते हैं डियर का लुक काफ़ी ज़्यादा गाइस यूनिक है, जिसको डियर को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी मस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है डियर को। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद मिलता है मुझे सिबेटा। सिबेटे का लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो
सिबेटा काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से इसको सिबेटे को डिज़ाइन किया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है सिबेटा। सो सिबेटे को भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक वियर, देख सकते हैं ब्राउन वियर जिस जो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, भूरा भालू। सो भालू का लुक भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे एक पैंगोलिन, देख सकते हैं पैंगोलिन जो कि काफ़ी ज़्यादा किस मस्त है, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से पैंगोलिन को डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी पैंगोलिन। सो इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें एक फॉक्स, देख सकते हैं फॉक्स भेड़िया, भेड़िए का लुक भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, देख सकते हैं भेड़ियों का काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से भेड़िए को डिज़ाइन किया गया है। सो इसको भी गाइस रखता हूँ साइड में। इसके बाद गाइस मिलता है मुझे इसमें स्नो लेपर्ड, देख सकते हैं स्नो लेपर्ड जिसको काफ़ी मस्त तरीके से लेपर्ड को डिज़ाइन किया गया है स्नो लेपर्ड। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा एनिमल्स का कलेक्शन मिल चुका है। सो देख सकते हैं काफ़ी सारा कलेक्शन है। सो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।